ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो जब भगवान ने देखा कि ध्रुवा महाराज जो हैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हैं, और क्योंकि उनमें अभी अनुभव नहीं था, 5 साल के बालक मात्र थे, वो कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होने के कारण क्या बोलना है वो नहीं समझ पा रहे थे। तो उस समय में जब भगवान ने इस प्रकार से देखा तो ध्रुव महाराज के ऊपर कृपा करके अपना शंख जो है आशीर्वाद के रूप में, अपना दिव्य शंख ध्रुव महाराज के सर के ऊपर उन्होंने लगाया, और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात भागवत में कहा है कि जो वेदों का सार है, जो वेदों का निष्कर्ष है, जो वेदों का ज्ञान है, पूर्णतया अब ध्रुव महाराज को जो है वो ज्ञान प्रकाशित हो गया है। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भक्तगण भी ध्रुव महाराज की भांति भगवान को जो है उनकी महिमा का गान करना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं। कई बार हम लोग मंदिरों में जाते हैं, हम भगवान के सामने खड़े होते हैं, हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए हमें ज्ञान नहीं होता है। तो जिस प्रकार से ध्रुव महाराज हैं वो भी सोच रहे हैं कि किस प्रकार की भगवान की मैं प्रार्थना करूं, भगवान की महिमाओं का गान किस प्रकार से करूं। तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अब हम देखेंगे सारे वेदों का निष्कर्ष उन्हें प्राप्त हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ में अब वो भगवान के गुणगान कर पाएंगे। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए, अगर हम निष्ठावान हैं, सिंसियर हैं और गंभीरता के साथ में भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो अभी हमारी परिस्थिति हो सकती है कि हम इतने अनुभवी नहीं हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो डेफिनेटली हमें भी जो है वेदों का सारांश प्राप्त हो जाएगा और उपयुक्त रूप से हम भी भगवान की महिमाओं का गान कर सकेंगे। अभी हमें क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, जो भी भगवान के महान भक्तों ने भगवान की स्तुति की है, उन स्तुतियों के द्वारा हमें भगवान की महिमाओं का गान करना चाहिए। क्योंकि देखिए वो जो स्तुति होती है, जो शुद्ध भक्तों के मुख से निकलती है, वो भगवान के द्वारा प्रेरित होती है। जैसे ध्रुव महाराज जो बोलेंगे अपने अनुभव से नहीं बोल रहे हैं, भगवान की प्रेरणा के बाद में वेदों का सार प्राप्त होने के पश्चात अब जो वो भगवान की स्तुति करने वाले हैं वो सब वेदों का ही सार है, भगवान के द्वारा ही प्रेरणा से वो बोलने वाले हैं।
तो भगवान का भक्त जब निष्ठा के साथ में भगवान की महिमाओं का गान करना चाहता है तो भगवान ही प्रेरणा देता है भगवान के विषय में बोलने के लिए। वो प्रेरणा भी भगवान के द्वारा ही दी जाती है। उनकी प्रेरणा देने के बाद ही भगवान का भक्त भगवान की महिमाओं का गान कर सकता है। मतलब हमें क्या समझना है, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, जैसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जब वो भगवान की जब पुस्तकों में भगवान का गान कर रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, वो सब भगवान के द्वारा ही प्रेरित है। उसमें और जो वेदों में दिया है उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों का निष्कर्ष बराबर है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा ही प्रेरित है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, अपने भक्तों को मैं बुद्धि योगम, बुद्धि प्रदान करता हूं, बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा मेरा भक्त जो है भक्ति में आगे बढ़ के मेरी तरफ आ सके। तो भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अब आगे जब ध्रुवा महाराज की आप प्रार्थनाएं सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक 5 साल का बालक इतनी बढ़िया भगवान की प्रार्थनाएं कर रहा है। जैसे वो कहेंगे, यो अंत प्रविश्य मम वाचम इमं प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्ति धरि स्वधामना अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन। तो जिस प्रकार से वो भगवान की महिमाओं का गान करेंगे और जब हम उन प्रार्थनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि 5 साल का बालक जो है कहाँ से वेदों का निष्कर्ष, वेदों का निचोड़, वेदों का सार समझा रहा है। उनकी प्रार्थनाओं में इस प्रकार से है। तो ये भगवान के द्वारा प्रेरित है। अब एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय हमें समझना है कि ध्रुव महाराज, उनको इस प्रकार की सफलता प्राप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, ये वेदों में बताया गया है। वेदों में कहा है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, जो सारे वेदों का सार प्राप्त करना चाहता है, उसे गुरु और भगवान के ऊपर, प्रामाणिक गुरु और भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो जब जो गुरु ने निर्देश दिए हैं उनके वचनों का पालन बड़ी निष्ठा के साथ में अगर भगवान का भक्त करता है तो जितना भगवान के ऊपर विश्वास उतना ही प्रामाणिक गुरु के ऊपर विश्वास, कम नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रखूंगा लेकिन जो गुरु है उनके ऊपर मुझे थोड़ा डाउट है तो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब होता है भगवान के पूर्ण रूप से प्रतिनिधि। देखिए, गुरु का स्तर समझने का प्रयास कीजिए। ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है कि कोई भी बोले मैं गुरु बन गया। हम शिक्षा गुरु तो बन सकते हैं, जितना हमें ज्ञान है बाकी हम लोगों को प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा जिसे कहते हैं वो केवल एक पूर्ण रूप से जिसने भगवान को साक्षात देखा है, जो 24 घंटे भगवान के दर्शन कर रहा है, जिसने भगवान के साक्षात्कार किए हैं, जैसे ध्रुव महाराज अभी कर रहे हैं, केवल वही व्यक्ति हमें भगवान तक का रास्ता, भगवान की कृपा प्रदान कर सकता है। तो इसलिए वेदों में कहा है
कि जितना विश्वास भरोसा हमें भगवान के ऊपर है उतना ही भरोसा हमारे प्रमाणिक गुरु के ऊपर अगर हमें रहेगा, तस्येव कथितंति ही प्रकाशन्ते महात्मनः, तो भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से वेदों के सारे कंक्लूजन हमें ज्ञात हो जाएंगे, उनका बोध हमें हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज ने भागवत में लिखा है, अभी प्रार्थना उन्होंने प्रारंभ नहीं की है, लेकिन वहां पर लिखा है कि उनको पूरा बोध हो गया वेदों के सार का। और क्या बोध हो गया वो भी बताया है, भगवान कौन है ये उनको समझ में आ गया, बोध हो गया, जीव कौन है ये भी ज्ञान जो है उनको मिल गया, ये प्रकृति क्या है, ये माया क्या है, इसका भी ज्ञान हो गया। देखिए जब अंधकार होता है हमें अपना शरीर भी नहीं दिखता है, हमें सूर्य भी नहीं दिखता है और हमें बाकी कुछ भी वस्तुएं नहीं दिखती हैं। तो तीन चीजें नहीं दिखती हैं, अंधकार जब होता है तीन वस्तुएं नहीं दिखती हैं, हम अपने आप को खुद को नहीं देख सकते हैं, हम सूरज को भी नहीं देख सकते हैं और हम बाकी के लोगों को भी नहीं देख सकते हैं। जब सूरज निकलता है ये तीनों चीजें प्रकाशमान हो जाती हैं, हमें अपना शरीर भी दिखाई देता है, हमें सूरज भी दिखता है और बाकी सब भी जो है प्रकाशमान हो जाते हैं। इसी प्रकार से अज्ञानता में हमें इन तीनों चीजों का बोध नहीं है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है और ये भगवान की शक्ति माया शक्ति ये क्या है, हमें बोध नहीं है। हम लोग सोचते हैं मैं इसको कंट्रोल करूंगा, ये मेरी प्रकृति है, मैं इसके ऊपर काबू करूंगा, मैं इसको एक्सप्लॉइट करूंगा, मदर नेचर को या फिर प्रकृति को, तो ये बोध नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जब हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तब हमें ज्ञान आ जाएगा कि भगवान सूर्य की भांति है और मैं सूर्य के छोटे कण की भांति हूं और ये सारा प्रकाश जो है ये भगवान की ये प्राकृतिक शक्ति है। मतलब तीनों चीजों का बोध हो जाएगा, भगवान कौन है, जीव कौन है और भगवान की माया शक्ति क्या है और इनमें रिलेशन क्या है, इनमें क्या संबंध है, क्या माया मेरे कंट्रोल में है, क्या ये प्रकृति मेरे कंट्रोल में है। अभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब प्रकाशित हो जाएगा, जब हमें साक्षात्कार हो जाएगा तब ये बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। क्या क्लैरिटी आएगी देखिए, तब हमें पता चलेगा कि भगवान जो है वो सर्वोत्तम है और उन्हीं सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान का मैं एक छोटा सा अंश हूं। जैसे सूर्य और सूरज की रोशनी होती है या आग है और आग की चिंगारी होती है, समुद्र है और समुद्र की पानी की बूंद होती है, तो हम उस पानी की बूंद के बराबर या अग्नि की चिंगारी के बराबर या सूर्य के उस कण के बराबर हैं, लाइट का जो कण होता है उसके बराबर है। हम पूर्ण सूर्य नहीं है, उसका छोटा सा अंश है। और भगवान भी कहते ममेव अंशो, भगवान कह रहे कि तुम मेरे सनातन अंश हो। तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का सेवक हूं, वो भगवान है। और इसलिए ध्रुव महाराज को जब ये स्पष्टता हो गई, अब देखिए कितनी सुंदर प्रार्थनाएं बोलेंगे वो, क्योंकि वेदों का कंक्लूजन उन्हें प्राप्त हो गया है। और क्या क्लैरिटी मिल जाएगी, और ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये जो माया शक्ति है ये भगवान के कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं कंट्रोल करना चाहता हूं लेकिन मेरे कंट्रोल के बाहर है ये। और उससे क्या हो रहा है, जितना मैं माया को कंट्रोल करना चाहता हूं माया मुझे कंट्रोल करेगी। इस माया की शक्ति के कारण ही बादल की भांति सूरज के दर्शन में नहीं कर पा रहा हूं। माया बादल की भांति है, भगवान सूरज की भांति है,
तो जब बादल हमारे सामने आ जाते हैं तो सूरज के दर्शन नहीं होते हैं। अब देखिए, बादल सूरज को नहीं ढक सकता है, ये हमारी गलत फहमी है। हमारी आंखों को ढकता है। सूरज बहुत बड़ा है, आप थोड़े से दूर जाइए सूरज आपको दोबारा दिखाई दे जाएगा, लेकिन जहां पर आप खड़े हैं अगर वहां पर बादल आ गया तो आपको सूरज नहीं दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज को ढक लिया है, हमारी आंखों को ढक लेता है बादल। तो माया भगवान को नहीं ढक सकती है, माया हमारे विजन को ढक लेती है कि भगवान कौन है हमें पता नहीं चलता है, हम कौन है हमें पता नहीं चलता। हम लोग सोच रहे हैं कि मैं ये भौतिक पदार्थ हूं। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि मैं संसार का अंग नहीं हूं, मैं भगवान का अंग हूं। मैं ये भौतिक चीजें नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो आत्मा भगवान का अंश है। और मैं जो सोच रहा था कि मैं मैटर को कंट्रोल करूंगा, प्रकृति को कंट्रोल करूंगा, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति है और इसने मुझे कवर किया हुआ है बादल की भांति। तो भगवान की कृपा से क्या होगा, ये बादल छट जाएंगे और सब कुछ हमें जो है स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये कंक्लूजन प्राप्त होने के बाद में अब बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं ध्रुव महाराज जो है भगवान से करेंगे और उन प्रार्थनाओं के अर्थ को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर है वो, पूरे वेदों का कंक्लूजन है, वेदों का सार है, क्योंकि ध्रुव महाराज एक छोटे अब बालक नहीं रह गए हैं, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है। वो कह रहे हैं कि भगवान मेरी इंद्रियां सोई हुई थी, आपने उनको जागृत कर दिया है। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, तो उसकी चर्चा हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।